हेलो जी, हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम। आज है 8 मार्च 2021 और हम फिर से जाने वाले हैं दुधवा नेशनल पार्क के अंदर जंगल सफारी पे। हमारी पूरी टीम गाड़ी में लद के हो गई है तैयार। इसके बारे में, इसका चार्जेज वगैरह और इसका पूरा प्रोसीजर हम सफारी से वापस आके दिखाएंगे आपको, वीडियो के लास्ट में जरूर देखना। और ये रीति जी है हमारी गाइड, जो कि आज हमें जंगल सफारी पे ले के जाने वाली हैं। और ये दीपक भाई ड्राइवर साहब, भाई सुनो मेरी बात, काम की बात। टाइगर देखने की कोई हमारी इच्छा नहीं है, धीरे धीरे चलाना, प्यार से, भाग दौड़ मत करना, आराम से, ठीक है जी। कल जो हमने सफारी की थी वो करी थी जिप्सी में, और ये आज हम कर रहे हैं टाटा जिनोन में। ये गाड़ियाँ सरकारी होती हैं, इसलिए 100-150 रुपये, 200 रुपये सस्ती भी होती हैं। इनकी बुकिंग आप यहाँ पे गेट पे आके कर सकते हो, सीधे यहीं पे आके। भाई नाम बताओ रे सब अपने अपने। रामकिशन। रामकिशन जी फ्रॉम बरेली। मैं दीप्ति हूँ। मैं उमेश गुप्ता। दिवाकर मिश्रा। अनुराग पांडे फ्रॉम लखनऊ। और क्या। हम ना कुल मिला के 7 लोग थे, लेकिन गाड़ी में 6 लोगों के बैठने की कैपेसिटी होती है, इसलिए एक को अपना बलिदान देना पड़ा। और वो सामने जा रही है, बलिदान वाली सामने जा रही है। छुट कीजिए, छुट कीजिए। कैसा लग रहा है आगे आके? आपको कुर्बानी देकर के कैसा महसूस हो रहा है? कुर्बानी देके कैसा लग रहा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। दीपक साथ में बैठा ले। ऐसा करो गाइड तो हल्की फुल्की है, उसका यहीं दबा लो सीट के नीचे। आपका बलिदान जो है सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पिछली वीडियो में जो आपने देखा था वो रूट नंबर 2, यहाँ पे ना दुधवा नेशनल पार्क में 2 रूट हैं, एक रूट नंबर 1 बोलते हैं, एक को रूट नंबर 2 बोलते हैं। तो पिछली बार हमने कल रूट नंबर 2 पे सफारी की थी। अब उसका चक्कर ये है कि वो पूरी सफारी आबादी के आसपास है, कुछ ज़्यादा इंटीरियर में नहीं जाती है। एकदम से जब 7-8 किलोमीटर अंदर जाके जंगल में, वो कौन सा ठरकीपुर गाँव कौन सा है, अरे नहीं, रेस्ट हाउस, सठियाना ठरकीपुर, सठियाना रेस्ट हाउस तक पहुंचे, वहां जाके पता चला यार 200-300 मीटर की डिस्टेंस पे गांव बसे हुए, और उन गांवों तक आप बाइक से, गाड़ी से किसी भी तरह से जा सकते हो, तो वो फील आई नहीं। तो वो फील दोबारा लेने के लिए हम रूट नंबर 1 पे आए हैं, और इस बार हम जाएंगे जंगल में काफ़ी अंदर तक। और ये मॉर्निंग सफारी है, इसमें हमें टाइम ज़्यादा मिलता है। सुबह 6:30 बजे स्टार्ट होती है और 10:30-11 बजे तक होती है ख़त्म। इवनिंग सफारी 3-3:30 बजे शुरू होती है शाम को, और सनसेट के साथ ख़त्म हो जाती है। तो मॉर्निंग सफारी में टाइम ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही हमेशा की तरह एक और मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, टाइगर मिलना ज़रूरी नहीं है, इसलिए अगर आप टाइगर देखने की इच्छा रख रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल अभी के अभी स्किप कर सकते हो। हम यहाँ पे जंगल सफारी पे जा रहे हैं, जो मिलेगा उसे ही हम ग्रहण कर लेंगे। टाइगर मिलेगा तो सबसे अच्छी बात है। ये था जी चीतल। चीतल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पॉटेड डियर, क्योंकि इसके शरीर पे होते हैं स्पॉट। स्पॉट मतलब चित्तियाँ। तो जिस डियर के शरीर पे चित्तियाँ होती हैं, धब्बे होते हैं, उसे बोलते हैं चीतल। मेल के सिर पे सींग होते हैं, फीमेल के सिर पे सींग नहीं होते। इस जगह को बोलते हैं जी बाके ताल। यहाँ पे एक वॉच टावर है और सामने एक बहुत बड़ी ग्रासलैंड है, और हम देखने की कोशिश करेंगे कि वॉच टावर पे चढ़ के ग्रासलैंड के अंदर क्या दिखता है। तो देखने से पहले मैं थोड़ा सा अनुमान लगा लूँ, हमें सांबर दिखेगा, यस सांबर दिखेगा, और मे बी एलिफेंट दिख जाए, मे बी क्या पता टाइगर दिख जाए। मुझे लग रहा था सांबर मिलेगा, लेकिन ये बारहसिंगा मिला है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं स्वैम्प डियर, जो लड़ाई सी कर रहे थे। कुछ पक्षी दिखे हैं, पक्षियों के नाम बताएगी दीप्ति। क्या कौन कौन से पक्षी दिखे हैं? स्टॉर्क हैं, स्टॉर्क, ईग्रेट हैं, ईग्रेट, बस
बस पैरट है और किंगफिशर भी है और ईगल भी है। कुछ चीजें हमें आंखों से दिख रही हैं और कुछ चीजें हमें कैमरे से दिख रही हैं। ये था जी टाइगर का फुटप्रिंट, और फुटप्रिंट देखने से पता चल रहा है कि ये फीमेल थी और मीडियम साइज थी, कोई ज़्यादा बहुत बड़ी भी नहीं थी। और अब तो मुझे भी पहचान होने लगी है कि फुटप्रिंट देख के कि ये मेल था या फीमेल थी। ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा जो है ग्रासलैंड है, और ग्रासलैंड ऐसा लग रहा है कि सुबह सुबह बिल्कुल टाइग्रेस आई होगी और ग्रासलैंड के अंदर छुप गई होगी, क्योंकि ग्रासलैंड में बहुत सारे चीतल सांभर वगैरह वगैरह होते हैं। चुप, बिल्कुल चुप। कॉल चल रही जबरदस्त, कैमरे में शायद आएगी नहीं। एक मिनट रुको, हम जाएं क्या? अभी रुक जाओ। एक मिनट जी, आराम से। शिकार हो गया, कोई ना कोई शिकार हुआ है भाई, कोई शिकार हुआ है। शिकार आराम से। टिटेरी लगातार बोल रही है और हॉग डियर की कॉल थी ना, कॉल थी या पकड़े जाने वाली आवाज़ थी। टाइगर को देख के वो कॉल कर रहा है, उसको टाइगर दिख गया है। मुझे लग रहा है दिखा कि टीवी को दिया। ये लगातार कंटिन्यू। अभी पास में एक ऊंची मचान है, हम उस पर पहुंचे हैं और यहाँ से काफ़ी दूर दूर का दिखाई दे रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी धुंध है। देखते हैं यहाँ पे, देखो जी टाइगर है, सबको दिख गया है, मुझे नहीं दिखा। मिश्रा जी कहाँ? मिश्रा जी को भी दिख गया, मुझे नहीं दिखा। बस दीप्ति को भी दिख गया, और कुछ लोगों ने जो है रिकॉर्डिंग भी कर ली है, बट मुझे दिखाई नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं। चलो अभी भी है सामने झाड़ियों में, हल्की हल्की धुंध है इस वजह से। चलो पास में ये एक और वॉच टावर है, वहाँ पे चलते हैं, टाइगर को दिखना पड़ेगा। धीरे धीरे चल रहा था वो, जबकि उसके सामने स्वैंप डियर का झुंड भी बैठा हुआ था। और मुझे जैसे इनकी मैंने रिकॉर्डिंग देखी, कुछ लोगों ने रिकॉर्डिंग करी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो धीरे धीरे मस्ती से चल रहा है और उसका शिकार करने का कोई इरादा नहीं था। और डियर ने भी, स्वैंप डियर ने भी उन्हें देख लिया होगा। देखने से जंगल में सबको पता चल जाता है कि सामने वाले का इरादा क्या है, तो स्वैंप डियर को कोई ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। ओए आराम से। नहीं मिला भाई यहाँ से भी, झाड़ियों में दूर निकल गया, क्योंकि ग्रासलैंड है ना बहुत बड़ा है। चलो सर जी आगे चलो, क्योंकि ग्रासलैंड बहुत बड़ा है और झाड़ियों में दूर निकल गया। आई मिस द चांस। सुहेली नदी है और सुहेली नदी यहाँ पे प्रसिद्ध है मगरमच्छों के लिए। सुहेली नदी पे आप कहीं पे भी निकल जाओगे, मगरमच्छ आपको मिल ही जाएंगे। तो वो सामने एक मगरमच्छ पड़ा हुआ है और हमारे मिश्रा जी कह रहे हैं कि यार वो दो हैं, जबकि वो दूसरा ना उसका रिफ्लेक्शन था। और कौन कह रहे हैं? नहीं, बदनाम तो मिश्रा जी को ही करना है। कहे कोई भी। ये था जी बार्किंग डियर। बार्किंग डियर को हिंदी में बोलते हैं काकड़, और दुधवा नेशनल पार्क के अंदर बार्किंग डियर बहुत कम संख्या में है। ये ज़्यादातर ऊपर पहाड़ों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, ज़्यादा बड़ा शरीर भी नहीं होता, कोई भी हलचल देखते ही एकदम से भाग जाते हैं। तो ये बच्चा था, इस वजह से वो थोड़ी सी उसे क्यूरियोसिटी हो गई,
और वो हमें देखने लगा रुक के, तो इसलिए हमने भी उसे कैप्चर कर लिया। बार्किंग डियर जो कुत्ते की तरह भौंकते हैं, मतलब थोड़ी सी कुत्ते से हल्की सी आवाज़ होती है लेकिन भौंकते हैं, और रात में पहाड़ों में आप चले जाओ हिमालय में तो अक्सर इनकी आवाज़ सुनाई दे जाती है बार्किंग डियर की। रास्ता जो है ना अब सुहेली नदी के साथ साथ है और बहुत सारे मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं, हर मोड़ पर हमें मगरमच्छ दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया नज़ारा है, पैसे वसूल हो गए जो कि हमने अभी तक दिए नहीं हैं। अच्छा आपको एक चीज़ और बताऊं, दुधवा नेशनल पार्क के अंदर है गैंडा पुनर्वास केंद्र। यहाँ पे किसी ज़माने में 100-150 साल पहले बहुत सारे गैंडे हुआ करते थे तराई के जंगलों में, लेकिन फिर धीरे धीरे सारे गैंडे इस एरिया से विलुप्त हो गए। फिर 1980 के आसपास 1984 में असम से 5 गैंडे जिनमें से 2 नर थे 3 मादा थी, वे गैंडे यहाँ पर लाए गए, गैंडे और गैंडी असम में काजीरंगा से। फिर यहाँ पे उनके लिए उपयुक्त वातावरण था, वो फिर से पनपने लगे, लेकिन अभी गाइड साहब ने बताया कि गैंडे जो थे नेपाल चले जाते थे और वहाँ पे वो नेपाली लोग शिकार वगैरह कर लेते थे, क्योंकि पूरा जंगल नेपाल से भी लगा हुआ है। तो इसलिए अब इसे 27 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए की तारबंदी करके, यानी कि दुधवा के अंदर 27 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया उसकी तारबंदी करके और उसमें करंट छोड़ के, सोलर पावर का करंट है, उसके अंदर गैंडे रखे हुए हैं और अभी यहाँ पे 30-35 गैंडे हैं। तो अभी गैंडों को तो हम नहीं देख सकते क्योंकि जीप से देखना, मतलब जीप से नहीं देख सकते, जिप्सी से नहीं देख सकते, उन्हें केवल हाथी की सवारी से ही देख सकते हैं। और अभी आजकल कोरोना की वजह से दुधवा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी है बंद। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी हुई है, आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस डिटेल वगैरह को बाद में पढ़ लेना। इसमें यही लिखा हुआ है कि जी ऐसे ऐसे 1878 तक यहाँ पे खूब गैंडे थे और फिर वो सारे विलुप्त हो गए, फिर असम से गैंडों को लाया गया और उन्हें बसाया गया, और अब यहाँ से यहाँ पे जो है अच्छी खासी संख्या में एक सींग वाले भारतीय गैंडे निवास करते हैं। हाँ सर जी, मैं YouTube पे भी हूँ, नीरज मुसाफिर आप सर्च कर लेना, Google पे neerajmusafir.com, YouTube पे नीरज मुसाफिर, Facebook पे नीरज मुसाफिर, Instagram पे नीरज मुसाफिर, जहाँ पे भी, Twitter पे नीरज मुसाफिर, जहाँ भी मन करे हर जगह नीरज मुसाफिर। YouTube पे हो आप भी? Instagram पे। क्या नाम? दीपक डॉट दुधवा है? दीपक डॉट दुधवा, अर्थात दीपक दीपक डॉट दुधवा, ठीक है। हमारे ड्राइवर साहब दीपक भाई जो है ना, ये जो है यहाँ के किसी भी गाइड से बहुत अच्छे हैं, और अपना नंबर भी बता दो, मोबाइल नंबर। इंस्टाग्राम पे मेरा नंबर है। इंस्टाग्राम पे नंबर है, फिर भी ऐसी बोल दो, रिकॉर्ड कर लेना भाई, नोट कर लेना, हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। 9118127434 9118127734। तो अगर आपको कभी दुधवा में आके जंगल सफारी करनी हो तो दीपक भाई से बात कर लेना, इंस्टाग्राम पे भी इनके फोटो हैं और मैं कुछ फोटो को चोरी करूंगा, है ना? ले लीजिए। हाँ, कुछ वीडियो दो, परमिशन मिल गई, परमिशन मुझे मिल गई, ये टाइगर वाली वीडियो मुझे चाहिए, टाइगर की और स्लॉथ बियर की। स्लॉथ बियर तो आज मिला ही नहीं है। नहीं, मैं चलो फिर भी हाँ 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 कर देना, बहुत बढ़िया, क्योंकि भाई जो हमारी जो गाइड हैं और जो कल जो गाइड मिले थे, कल वाले तो कतई बेकार थे, आज वाली गाइड हैं वो भी ठीक हैं, उतने बेकार नहीं है, लेकिन वो चुपचाप बैठे हुए हैं और दीपक भाई हमें हर तरह से गाइड कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कार्बेट इसके दुधवा के अंदर भाई गाइड लेना जरूरी है, 400-450 रुपए लगते हैं, तो इसलिए गाइड लेना पड़ता है, नहीं तो गाइड यहाँ के किसी काम के नहीं है, ड्राइवर बहुत काम के हैं। ये जी हमारे लेफ्ट में है गैंडो का एरिया, इसकी तारबंदी कर रखी है, अंदर जो है जिप्सी से जाना अलाउड नहीं है, अंदर केवल हाथी से जा सकता है। जैसा कि हमने बताया कि कोरोना की वजह से आजकल हाथी सफारी बंद है, तो अगर कोई गैंडा यहाँ आसपास आ जाएगा, आसपास अगर यहीं पे होगा तो हमें दिख जाएगा, और अगर अंदर गया होगा तो फिर नहीं दिखेंगे। 30-35 गैंडे हैं यहाँ पे, और अंदर कुछ लेक वगैरह भी हैं, तो गैंडे जो हैं लेक के पास ही रहते हैं ज़्यादातर।
सुहेली प्रकृति व्याख्या केंद्र इंटरप्रिटेशन सेंटर, छोटा सा एक म्यूजियम है। राइट में टाइगर और टाइगर के बच्चे। अच्छा, सबसे मज़ेदार चीज़ तो मुझे ये लगी, यूपी का पुराना नक्शा। पहले ना यूपी का नक्शा ऐसा हुआ करता था, तो ऐसा लगता था जैसे कोई शेर बैठा हो, ये अगला पैर, ये पिछला पैर और ये गर्दन। फिर जब 2000 में उत्तराखंड बन गया तो ऐसा लगा जैसे यूपी की शेर की गर्दन काट दी हो। अच्छा, यहाँ पे ना एक चार्ट और बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है डियर एंड एंटीलोप ऑफ दुधवा नेशनल पार्क। इसमें जो 6 तरह के डियर दिखाए गए हैं, एक है बारासिंगा, चीतल, सांबर, होक डियर, पाढ़ा और काकड़, और जो है नीलगाय। कल जो हमारी गार्ड उससे गाइड से बहस हो रही थी, वो नीलगाय को लेके थी, तो हो सकता है उनके पास कोई पुराना डॉक्यूमेंट हो जिसमें 5 तरह के डियर लिखे हों, तो उन्होंने वो ही रट लिया नीलगाय को। फिर वो गाय बताने लगे, इस नेशनल पार्क में नीलगाय भी हैं, 6 तरह के डियर हैं, और हमें 2 दिन की सफारी में सारे के नीलगाय नहीं मिली देखने को, बाकी 5 के 5 देखने को मिले हैं। और ये जो है माई फेवरेट जानवर तेंदुआ, लेपर्ड। और फेवरेट क्यों है, वो लिखा हुआ पहली लाइन में, तेंदुआ बिल्ली प्रजाति के सदस्यों में अपने आप को परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में सबसे अधिक सक्षम प्राणी है। परिस्थितियों के अनुकूल, इसीलिए तेंदुआ हर जगह, पूरे भारत में हर जगह मिलता है, यहाँ तक कि शहरों के आसपास भी वो रहता है, गांवों के आसपास भी रहता है। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं समाप्त, इस दुधवा वाली सीरीज को करते हैं समाप्त। अगली वीडियो भी आसपास कहीं जंगल की होगी, क्योंकि अभी तक हमें बाघ नहीं दिखा है, और हम बाघ देखते 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 कहीं तक भी जा सकते हैं। आपको पता है कि हम तराई के एरिए में राजा जी से हमने शुरुआत करी थी, जिम कॉर्बेट देखा, पीलीभीत टाइगर रिजर्व देखा, अभी जो है दुधवा में है, इसके बाद कतरनिया घाट जाएंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। तो इस पूरी सीरीज को हमारी देखते रहना, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इसी के साथ करते हैं वीडियो को समाप्त। बाय बाय, राम राम।